हेलो चिल्ड्रन, टुडेज अवर टॉपिक इज आर्टिकल्स. ए एंड डी आर द आर्टिकल्स. नाउ सी, दिस इज अ कार. द कार इज रेड. दिस इज एन अम्ब्रेला. दिस इज अ कार एंड द कार इज रेड. दिस इज एन अम्ब्रेला. तो इनमें देखिए, इन सेंटेंसेस में आपको ए एंड डी ये आर्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे. ए, अब ए कब यूज करते हम देखते हैं. यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले ए आर्टिकल यूज किया जाता है. कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं जो अभी बॉक्स में आपको दिखाई दिए, जैसे कि अ कैट, अ डॉग, अ टेबल. तो यहाँ पे ये वर्ड्स जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनके लिए हम ए आर्टिकल यूज करेंगे. एंड कब यूज करते हैं. यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वोवल. वोवल्स कौन से होते हैं, हमने देखे थे. ए ई आई ओ यू आर द वोवल्स एंड द रिमेनिंग वंस आर कॉन्सोनेंट्स. तो जब भी वॉवल्स आते हैं, वॉवल से स्टार्टिंग होती है वर्ड्स की, तब हम एन यूज करते हैं. जैसे कि एन एप्पल, एन एलिफेंट, है ना, इसमें ई से स्टार्ट हो रहा है, देखो एलिफेंट में. एन ऑरेंज, एन ऑरेंज में ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ क्या है, वॉवल है. तो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स से पहले एन यूज होता है. और ए और एन कब यूज होता है. यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर नाउन ओनली. तो ए और एन तब यूज किया जाता है जब सिंगुलर नाउन होता है. हमने सीखा ना सिंगुलर प्लूरल. अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है अ बुक. तो उसके साथ हम, उसके बाद हम अ बुक्स यूज कर सकते हैं क्या, नहीं. तो एक चीज बताने के लिए कि ये बस एक ही है, उसके लिए हम अ बुक, अ आर्टिकल यूज कर सकते हैं. या फिर जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग ए ई आई ओ यू मतलब वॉवल से हो रही है, उसके लिए हम एन यूज करते हैं. तो अ बुक इज राइट, अ बुक्स इज रॉन्ग. एन एग मतलब एक एग इज राइट, एन एग्स इज रॉन्ग. तो सिंगुलर नाउन के लिए, एक ही चीज के लिए ए और एन आर्टिकल यूज होता है. अब हम देखेंगे द कब यूज होता है. Used to introduce both a singular noun and a plural noun. दोनों nouns के लिए use होता है, चाहे वो singular हो चाहे वो plural हो. और the तब use करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में specially बता रहे हैं. जैसे the book, कि वो ही book, तब हम the book भी use कर सकते हैं. वहाँ पे books है तो हम उसके लिए भी the use कर सकते हैं. तो a and an are called indefinite articles. Which are used before an unknown or indefinite noun. First time discuss, we don't have any information. मतलब ऐसे noun के बारे में, singular noun के लिए a और an articles use होते हैं, जिनके बारे में हम first time ही बात कर रहे हैं और जिनके बारे में हमारे पास कोई information नहीं है. मतलब हम first time उनके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम a या फिर an article use करते हैं. अब द इज कॉल्ड डेफिनाइट आर्टिकल. तो कब यूज होता है, द सेम नाउन बीइंग डिस्कस्ड द सेकेंड टाइम. मतलब उस नाउन से पहले जिसके बारे में हमने पहले से डिस्कशन किया था, अब हम दोबारा उसी के बारे में बता रहे हैं, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए द आर्टिकल यूज किया जाता है. वी हैव सम इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है तब भी द आर्टिकल यूज किया जाता है. अब जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए, अ पोस्टमैन came to my home. एक postman मेरे घर पे आया. अब postman के बारे में हम first time discuss कर रहे हैं, और postman word जो है P से start हो रहा है, मतलब consonant से start हो रहा है, इसलिए हम a use करेंगे. The postman gave me a letter. अब उसी postman के बारे में हम दोबारा बता रहे हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे use करेंगे the. और उसने हमें क्या दे दिया, लेटर. तो लेटर के बारे में हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, और एल से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए. तो क्या सेंटेंस बनेगा, द पोस्टमैन गेव मी अ लेटर. पहले हम पोस्टमैन के आगे ए लगा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट, अ काऊ. अब ये काऊ है, आपको दिखाई दे रही है जैसे पिक्चर में,
अब यहाँ पे हमने अ क्यों यूज किया है, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है ये, और इसकी जो स्टार्टिंग है सी से हो रही है, मतलब कॉन्सोनेंट से हो रही है। अब उसी के बारे में हम बता रहे फिर, द काऊ ऑफ मोहन। अब ये काऊ है और ये काऊ किसकी है, मोहन की है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल, द। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ सी द एग्जांपल्स ए और एन। अब बुक में बी से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ क्या बोलेंगे, अ बुक। एंट में वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे एन एंट। कैट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे तो हम बोलेंगे ए कैट। एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन एप्पल। बो अ बो, अ गर्ल, एन एलिफेंट, एन इग्लू, एन आई, अ काइट, एन एग, एन ऑक्टोपस। तो आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। दिस इज एन एग, दिस इज अ गर्ल, दिस इज एन एप्पल। ओके, कंप्लीट इट इन योर इंग्लिश कॉपी। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। सी हियर, नेम द पिक्चर्स। हियर आर सम पिक्चर्स, यू हैव टू राइट डाउन ए और एन। अब एप्पल में ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज करेंगे, तो एन एप्पल। ट्री में अ ट्री, अ बी, एन एग, एन ऑरेंज, अ टैक्सी, एन अम्ब्रेला, अ लॉरी, अ बाइक, अ रूलर, एन एंट, अ शॉप। तो यही रूल हमारा लागू होता है यहाँ पे कि जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है और वो सिंगुलर नाउन है तो हम ए आर्टिकल यूज करेंगे, और जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग वॉवल से हो रही है और वो सिंगुलर नाउन है तब हम एन यूज करेंगे। गॉट इट। इन्हीं वर्ड्स को यूज करके हमें सेंटेंस भी बनाने हैं। डिस्क्राइब द पिक्चर्स, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इट इज अ पिंक फ्लावर, दिस इज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय। Thanks for watching.